एक्सेस पार्टी के संगठन हो, क्या कहना चाहेंगे सर, चैनल लाने के पीछे क्या थॉट प्रोसेस था और क्या सोचते हैं सर? टीवी हर भारतीय का सपना, आज हर भारतीयों का सपना साकार करने हम जा रहे हैं कि हर एक प्रकार के लोग, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोचे हैं, और हमारा पर्टिकुलर भारत का जहाँ अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं और सबके विचारधारा अलग अलग है, आज एक ही मंच के नीचे हम सभी की विचारधारा को यहाँ पर लेके आए हुए हैं। हम अलग अलग प्रकार की फ्लेवर, अलग अलग प्रकार की डिशेस लेके आए हैं कि जिसको जो पसंद आए वो खाए। और पर्टिकुलर बात करें जैसे कि हमारे आज 300 भी हम लॉन्च कर रहे हैं, उसके अंदर एक अजब सास की गजब जो सास बहू की नोकझोंक की कहानी है और तू मेवे वाली और कॉमेडी सीरियल है। दूसरा एक जो हमारा सीरियल आ रहा है रिटर्न ऑफ द स्कूल डेज, रिटर्न ऑफ द स्कूल डेज में हर कोई अपने जमाने के अंदर स्कूल में गया ही है और कुछ ना कुछ शैतानियाँ किए हैं। वही चीज़ यहाँ पर हम बताए हैं कि कभी ना कभी कोई ना कोई इसमें किसी की कुछ ना कुछ कहानियाँ रहती हैं, वो कहानी हमने बताई है। उसके बाद में हमारी एक जो दूसरी सीरियल आ रही है गुजरात भवन, गुजरात भवन के अंदर भी रोज मराने की जिंदगी के अंदर जो छोटे मोटे प्रॉब्लम आते हैं उसको किस प्रकार से सॉर्ट आउट करते हैं और गुजरात का एक कल्चर बताया गया है। तो इसी प्रकार हमने हर प्रकार का अलग अलग हमने सोर्स लाए हुए हैं। उसके अलावा हमारा एक शो है जो प्यार में सावधान जो भी चल रहा है वो क्राइम बेस्ड शो, मतलब हमने हर प्रकार के शो का पूरा कवर किया। सर ये कब से एयर होने वाले चैनल? तो हमने लास्ट 31 जुलाई से हमने एक लॉन्चिंग पार्टी की थी तभी से ऑन एयर है, और आज पर्टिकुलर जो 3 शो है वो अभी से शुरू होने वाले हैं। 8:30 बजे से हमारे ऑन एयर लाइव तीनों प्रोग्राम शुरू होंगे, 8:30 से 9 बजे गुजरात भवन, 9 से 9:30 बजे रिटर्न ऑफ द स्कूल डेज, और 9:30 से 10 बजे गुजरात भवन, 9:30 से 10 बजे है पहला अजब सास की गजब भवन 8:30 से 9 के। और सर जो दूसरे चैनल्स हैं कलर्स है स्टार प्लस है, उनको कैसे कंपटीशन देगा? 100% कंपटीशन देगा, क्योंकि हमने जो लास्ट आगे बताया मैंने कि हमारे यहाँ पर हर एक किस्म की डिश पिसी हुई है, जिसको जो अच्छे लगे वो खाएंगे। हमने हर प्रोग्राम कुछ अलग ही तरीके से हमने रजू किया हुआ है और अलग ही प्रकार का प्रोग्राम, तो हिसाब से लोगों को पसंद आएगा। हर एज के लोगों को अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम हमने दिए हुए हैं, हर सोच वालों को अलग अलग प्रकार के हमने प्रोग्राम दिए हुए हैं, तो हम 100% उसको कम्प्लीट कर पाएंगे। मैं वन ऑफ द फाउंडर डायरेक्टर्स हूँ टीवी इंटरटेनमेंट चैनल का, और चैनल के बारे में यही एक नया चैनल है, इंटरटेनमेंट चैनल है जैसे बाकी इंटरटेनमेंट चैनल चल रहे हैं, हालांकि बहुत नए हैं, लेकिन कोशिश हमारी है कि इस इंटरटेनमेंट चैनल को बाकी जितने भी चैनल चल रहे हैं सुधार लेंगे। सर टॉप पे लेके जाना चाहते हैं चैनल को, और उस हिसाब से हमारी पूरी तैयारी है, इस प्रकार के हमारे शोज वगैरह हैं वो आ रहे हैं। परिवार के लिए मुखिया होते हैं, उसके लिए सारे बच्चे एक तरीके से होते हैं, तो हमारे सारे शोज एक जैसे हैं, सारे शोज मेरे ख्याल से टॉप पे जाएंगे। और जहाँ तक शोज की बात है तो हम अगर मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ कंटेंट के बेसिस पे, हमारा कंटेंट शायद डिफरेंट है बाकी जितने भी चैनल्स चल रहे हैं, जो ट्रेडिशनल ट्रेंड है उनको नहीं फॉलो हम कर रहे हैं, हालाँकि विपरीत जाने की कोशिश है। मैंने आपको पहले बताया हम कंटेंट के बेसिस पे ही हमने इस चैनल को एस्टेब्लिश किया है, और आप एक बार प्रोमोज और सारी चीज़ें एपिसोड हम लाइव कर रहे हैं, अगर आप देखोगे तो आपको शायद समझ आ जाएगा कि कंटेंट शायद इंडियन कल्चर से रिलेटेड है, इंडियन फ्लेवर है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द टीम मेंबर्स एंड टू बोथ ऑफ अस, थैंक यू ऑल। मैं अजब सास की गजब बहू को काम कर रही हूँ, तो आप लोगों ने अनुमान लगा ही लिया होगा, नो बिग सीक्रेट, मैं वो अजब सास कर रही हूँ। मैं एक पंजाबी पंजाबी सास है जो जिसका सपना है कि उसके घर में एक पंजाब की बहू आए, और मेरा बेटा, मेरा लाडला बेटा एक साउथ इंडियन को ले आ रहा है, तो हमारे बीच में टशन शुरू होता है, और फिर कैसे
मैं कोशिश करती हूँ कि उसको मैं अपने घर से निकालूँ और वो कोशिश करती है कि वो कैसे इस घर में जाऊँ। तो यही है अजब सास की गजब बहू। लेकिन सब कुछ बहुत ही मज़ेदार और गुदगुदाने वाले में तो वो ऐसा कुछ नहीं है, ना कि टाइप मतलब या टिपिकल नेगेटिविटी नहीं है, सब सब कुछ हंसी मजाक में गुदगुदाने वाले और भी मज़ा आएगा। अगर आप लकी हैं आपको जैसी सास मिल जाए, नहीं तो मुझे नहीं तो कई बार सास कैसी भी होती है, लेकिन बहू अगर अच्छी है तो बहू को सास के साथ मिलती है। और इंडियन रिलेशनशिप में तो छाई रहती है सास बहुत, अरे वो नहीं आ रही, तब से चली आ रही है, जब से डेली सोप का इजाद हुआ था कि तब सास भी कभी बहू थी, तो तब से लेके अब तक हम आपके लिए एक शानदार कॉमेडी बन रहा है। और आई होप ये ऑडियंस को बहुत मजा आएगा क्योंकि हम कई रंग शुरुआत तो की थी हमने पंजाबी और साउथ इंडियन से, लेकिन हम बाद में गुजराती फैमिली भी लिया है, मराठी फैमिली भी लिया है, तो पूरा नेशन को हम चाह रहे हैं कि हमें भारतवर्ष का कैप्टन इस बार क्या सास शो रात नौ बजे करके देखेगी या सुबह सात बजे? देखिए कोई जुल्म नहीं है इसमें, जुल्म और अत्याचार नहीं है, जो भी है मतलब सब कुछ बड़ी मज़ेदार ढंग से कि आपको देखकर हंसी आएगी, आपको देखकर मज़ा आएगा, ये नहीं होगा कैसी बेकार है आपको शुभ नाम है गुजरात में, और मैं ये कह सकता हूँ कि 17 साल बाद मैं फिर से यूट्यूब पर हूँ एंड आई एम एंजॉइंग इट, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल चीज है, मतलब रोज़मर्रा की बातें हैं, ऑडियंस अपने आप को इमीजिएटली आइडेंटिफाई करेगी। और उसका डायरेक्टर है धर्मेश मेहता, जिसे तारक मेहता डायरेक्ट कर रहा है, गुप्ता जी है राजेंद्र गुप्ता मेरी सीनियर एक्टर, शीला इज देयर, शीला शर्मा एंड सोनिया सोनिया मेहता, वंडरफुल टीम। और अभी तक की जितनी भी शूटिंग हम लोगों ने की, एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर एक बार ऑडियंस ने ये सीरियल देखना शुरू किया तो ये छूट के जाएगी नहीं, ये गारंटी है। अच्छी तारक एक माइलस्टोन है हो गया, पर हमारा सीरियल है या कंपेयर तो नहीं करूँगा मैं, क्योंकि तारक का जॉनर अलग है, हमारा जॉनर अलग है, हमारे सीरियल में डेट स्पाइस की बात है, मतलब इमोशंस है, कॉमेडी है, ड्रामा सब कुछ मिक्स किया हुआ। बट कहते हैं ना कि जो एग्जैजरेट नहीं किया, बहुत ही नॉर्मल रखे हम लोग चले, डे टू डे प्रॉब्लम्स लेके चले, मतलब एक दूसरे को कैसे हम हेल्प करते हैं, प्रॉब्लम होती है तो एक दूसरे को हेल्प करके बाहर आते हैं, ये सब बातें हैं और बहुत नॉर्मल बात है। अगर चला फिर भी बोलता हूँ मैं कि एक बार ऑडियंस ने देखना शुरू किया ये सीरियल छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, एक गारंटी है। Press the bell icon on YouTube app and never miss another update. Wow.